दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ गीता जयंती की जानकारी। दोस्तों हर वर्ष प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्रा में, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊँगा कि गीता जयंती का महोत्सव क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आज ही के दिन लगभग 5140 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गीता का ज्ञान उपदेश अर्जुन को दिया था। दोस्तों महाभारत युद्ध के दौरान ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसलिए हर वर्ष प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। दोस्तों आज पूरे भारत में, पूरे देश में गीता जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस अवसर पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों गीता जयंती का झांकी, आप ब्रह्म सरोवर का दर्शन, ये सभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यह जो मंदिर है आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह भगवान श्री कृष्ण के रथ का तस्वीर है जो ब्रह्म सरोवर के बीच में है। दोस्तों ब्रह्म सरोवर के बीच में आपको एक मंदिर भी नज़र आ रहा है, इस मंदिर का भी आप दर्शन कर सकते हैं। यह ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, चारों तरफ सजा हुआ है और देखिए कितना सुंदर यह मंदिर है भगवान शिव का, ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच में है। दोस्तों चारों तरफ से गीता जयंती की तैयारी और गीता जयंती का महोत्सव, अलग अलग प्रांतों से कलाकार, अलग अलग प्रांतों के समान सभी चीज़ें यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में गीता जयंती मनाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।